हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है रूबी। फ्रेंड्स, मैंने 4 प्याज लिए हैं, छील लिए हैं, और 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, लहसुन है, 2 टमाटर है। तो अभी प्याज को हम यहाँ पर कट करेंगे। और फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं शिमला मिर्च पनीर प्याज की सब्ज़ी, जिनको कढ़ाई पनीर भी बोलते हैं। तो मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाने वाली हूँ शिमला मिर्च पनीर प्याज की सब्ज़ी, तो स्क्रिप बिल्कुल भी मत करिएगा, वीडियोस में बने रहिएगा। फ्रेंड्स, हमने देखिए यहाँ पे डाला है मस्टर्ड ऑयल और थोड़ा सा जीरा डाल दिए हैं, 2-3 हरी इलायची है। तो हमने जो यहाँ पे कट किया है प्याज मिर्च लहसुन, इसको यहाँ पर डाल दिए हैं। अभी इनको हम चला देंगे और थोड़ा सा इनको सोटे होने देंगे। तेज़ आँच बिल्कुल भी नहीं करना है, धीमे आँच में ही हम बनाएंगे। और ये जो 2 टमाटर हमने लिए थे, टमाटर को भी यहाँ पर हम कट कर लेंगे, दोनों टमाटर को। टमाटर हमारे कट हो गए हैं तो इनमें हम डाल देंगे। और ये थोड़ा सा दालचीनी थी एक टुकड़ी, वो डाल दिए हैं। तो थोड़ा सा नमक यहाँ ऐड करेंगे। नमक डालने से ना हमारा टमाटर जो होते हैं वो अच्छे से गल जाते हैं। तो हमने चला दिए हैं, थोड़ा सा ढककर पकाएंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारी यहाँ पे पक गए हैं। तो हमने लिया है एक मिक्सी का जार और इसको हम डाल देंगे। और इनका हम बनाएंगे फाइन सा पेस्ट। तो यहाँ पर देखिए शिमला मिर्च है, एक प्याज है। प्याज को हम 4 टुकड़ों में कट करेंगे और इसका हम परत निकालेंगे, एक एक जो इनके परत होते हैं। और शिमला मिर्च को यहाँ पर कट कर लेंगे, लंबे कट करके फिर छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। तो मैं यहाँ चरकोर टुकड़ों में कट कर रही हूँ। आपको जो पसंद हो आप उस तरीके से कट कर सकते हैं। तो और देखिए हमने प्याज भी यहाँ पर निकाल लिए हैं, और थोड़ा ये बड़े प्याज थे ना तो इनको छोटे कर लिए हैं। तो देखिए शिमला मिर्च प्याज हमारे कट हो चुके हैं। कढ़ाई में हमने डाला हुआ है 1 चम्मच तेल, तो तेल गरम हो गया था तो हमने यहाँ पर शिमला मिर्च प्याज डाल दिए हैं। और इनको थोड़ी देर हम पकाएंगे, जब तक इन पे अच्छे से कोटिंग आ जानी चाहिए ऊपर, तो इनका कच्चापन भी निकल जाना चाहिए इस तरीके से। तो अभी ये हमारे पक गए हैं, इनको हम प्लेट में निकाल लिए हैं। फिर से हमने उसी कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाला है, सरसों का तेल, ये 300 ग्राम पनीर है। तो तेल हमारा वहाँ पर पक रहा है, अभी हम यहाँ पे पनीर कट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे चरकोर में कट करने वाली हूँ। आपको जो आकार पसंद हो आप उस तरीके से कर सकते हैं ना। तो हमने यहाँ पर देखे तेल हमारे गरम हो गए थे तो पनीर को डाल दिए हैं। और इनको हम बहुत हल्के हल्के फ्राई करेंगे, ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, हल्का सा इनको फ्राई करेंगे। और थोड़ा मैंने बताया ना, थोड़ा मैं अलग तरीके से बना रही हूँ। तो पनीर हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल लेंगे। अभी यहाँ पर हम निकाल रहे हैं मसाले। तो 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 2 चम्मच पनीर मसाले हैं। तो इतने हमने मसाले यहाँ पर लिए हैं। और फिर से हम उसी कढ़ाई में पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे। तो 1 चम्मच हमने जीरा डाल दिया है, 2 तेज़ पत्ते हैं, इनको डाल के थोड़ा सा पकाएंगे। और जो हमने मसाले निकाले थे सूखे डाल देंगे, और आँच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे मसाले हमारे जल सकते हैं। और हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है जो कलर्स देते हैं। और यहाँ पर पेस्ट हम डाल दे रहे हैं जो हमने बनाया था लहसुन मिर्च प्याज टमाटर का। तो इनको हम डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, पूरे हमारे मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। थोड़ा सा हमने यहाँ पर पानी का भी यूज़ किया है, पानी डालने से थोड़ा सा इनको अच्छे से पकने का समय मिल जाएगा। तो ढक के थोड़ी देर हम पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पानी हमारे मसाले में बिल्कुल भी नहीं है, पूरे सूख चुके हैं। और इनको हम चला देंगे, और बहुत ही अच्छे से पक गए हैं मसाले हमारे, पूरे पक चुके हैं। तो अभी इनमें मैं यहाँ पर डालूँगी दूध, ये आधा ग्लास दूध है।
तो दूध हमने यहाँ पे डाल के इनको मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ आधा ग्लास पानी, तो आधा ग्लास हमने दूध डाला था, आधा ग्लास पानी। तो नमक डाल दिए हैं स्वाद के अनुसार, नमक चला देंगे, मिक्स कर देंगे। अभी इनको हम थोड़ी देर ढक के पकाएंगे, उबाल आ जाए। तो यहाँ पर देखिए ग्रेवी में हमारे उबाल आ गया है, तो हमने शिमला मिर्च और प्याज जो फ्राई किया था वो यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। पनीर को भी यहाँ पर ऐड कर देंगे साथ में ही। ये पके हुए हैं, ग्रेवी हमारी पक चुकी है, तो बस थोड़ी देर 2 मिनट के लिए हम इनको और डालने के बाद चला कर थोड़ा सा ढक कर फिर से थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तो थोड़ा सा भी हम आराम से चलाएंगे, ज़्यादा जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और कितनी अच्छी लग रही है, टेस्टी सब्जी बनके तैयार है हमारी। थोड़ा सा हमें जैसे चाहिए उतना ही ग्रेवी, देखिए बहुत ही अच्छी ग्रेवी भी है, सूखी नहीं है ज़्यादा, एकदम सही है। तो सब्ज़ी हमारी यहाँ पक गई है, तो हमने यहाँ पर हरा धनिया डाल दिया है और चलिए सब्जी को यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। ये देखिए हमारी कढ़ाई पनीर, पनीर शिमला मिर्च प्याज की सब्जी बनके तैयार है और बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है फ्रेंड्स। ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार बना के शिमला मिर्च प्याज और पनीर की सब्जी। तो आई होप फ्रेंड्स आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।